थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी हवाले से कुछ बेहतर इकदाम किए गए हैं, मुझे उस पर भी बात बहुत ज़रूरी करनी है, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ी हूँ। गो के मुझे मालूम है कि पंजाब में ये जो फ़ोन की पाबंदी लगाई गई है स्कूल्स में बिलखसूस, इसकी वजूहात पर डीप डाउन बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे हैरत ये भी होती है कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर से मुराद राज साहब से गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम रब्ता मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन ना वो फ़ोन उठा रहे हैं, और जब उनके PRO से हमारी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है। जब आपके पास पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वक्त नहीं है तो आप लोग मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, मेरी बात बिल्कुल समझ से बाहर है। बहरहाल, खैबर पख्तूनख्वा में तलबा को भारी भरकम बस्तों से निजात मिलेगी या नहीं, बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा स्कूल बैग्स एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है ज़िया उल्लाह बंगश, वजीर तालीम KPK हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच। रगुफ्ता मलिक MP है ANP से, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया उल्लाह बंगश साहब, आपसे बात का आगाज करना चाह रही हूँ, ये जो आप एक्ट ला रहे हैं बैग्स एक्ट 2019, इसमें क्या क्या नुकात हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुराद राज वो वहाँ पे बिजी होते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आप तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन जहाँ से मिनिस्ट्री केटर कर रही है मामलात को, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी ना, बात ये है। अच्छा अच्छा, मैं आपने ये उसके हवाले से बात करूं कि ये जो भारी बस्तों का जो सिलसिला था बच्चों पे, ये काफी अर्से से इसको महसूस किया जा रहा था, और वालिदैन की जानिब से भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी मुझे, कंप्लेंट इस पे कि एक बच्चा, तो उसके लिए फिर हमने ये प्लानिंग की और हमने मेडिकल हमारे जो महकमा सेहत है उनके साथ भी हमने इस पे काफी वर्क किया, अपनी टीम हमने लगाई इनके साथ, तो उससे जो नतीजा आया हुआ था कि जो बच्चे हैं, जो कम अज कम जो छोटे बच्चे हैं उनको कमर का दर्द और उनके जो नेक का जो मसला है वो बहुत ज्यादा भारी बस्तों की वजह से उनको तकलीफ था, तो उसके लिए अभी हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट को हमने सबमिट किया है लॉ डिपार्टमेंट को, उसकी वेटिंग हो रही है, और उस एक्ट की वेटिंग के बाद इसको हम जाएंगे कैबिनेट में, और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद इसको हम असेंबली में लेकर जाएंगे। इसको हम इसको इसलिए एक्ट के जरिए इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि ये फॉर लॉन्ग रन चले, और अगर हमारी हुकूमत हो तो उसमें भी हम इसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद अगर किसी की भी हुकूमत आए तो एक एक्ट मौजूद होगा और उसके जो भारी बस्तों का जो निजात हम दिला रहे हैं बच्चों को, एक तो हम निसाब में बुक्स में कमी लेकर आ रहे हैं उसको भी हम कम कर रहे हैं, दूसरा उसमें हम ये है कि स्कूलों में अलमारियां और मतलब ये लॉकर, यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी ज़िया उल्लाह बंगश साहब। असल बात यही है कि जिन बच्चों का करिकुलम या उनका सिलेबस इस नौयत का है कि उनको भारी भरकम बैग्स लेके जाने पड़ते हैं, क्या स्कूल के ऊपर ये बाइंडिंग होगी कि वहां पर उनको कबर्स मुहैया करे या शेल्फ दे ताकि वो अपने स्कूल का जो भी सामान है, किताबें हैं, कॉपीज हैं, वो वहां स्टोर करें? पूरा सिस्टम हमने उनके लिए डेवलप किया हुआ है, हमारा पेरेंट टीचर काउंसिल है, और पेरेंट टीचर काउंसिल के जरिए हम ग्रांट्स देते हैं तमाम स्कूलों को, और ये भी अब इसका हिस्सा होगा जो एक्ट पास होने के बाद, उसमें हम स्कूलों को हम ग्रांट देंगे कि वो अपने स्कूलों में लॉकर्स लगा दें और बच्चों के नाम पे कर दें कि जो बच्चा जिस रूम में उसके नाम पे लॉकर होगा, और जो बच्चा अपने बुक्स कॉपियां जो भी वहां पर रखना चाहे वो उनके होंगे। और इट साउंड्स वेरी गुड ज़िया उल्लाह बंगश साहब, इट साउंड्स वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम मैं जरा अशरफ गुप्ता आपसे इस पर ओपिनियन लेना चाह रही हूँ, इस एक्ट को आप किस हद तक स्ट्रेंथन करेंगे हुकूमत वक्त के साथ? गुप्ता, हमारी तो ये कोशिश होगी कि जो भी अगर हुकूमत कोई अच्छी चीज लेके आ रही है जिसमें अवाम का, या जो अभी इन्होंने ज़िया उल्लाह बंगश साहब ने बात की है कि हम एक्ट लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, बच्चों को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो बहुत ज़्यादा बैक इशू आ रहे हैं, तो अभी हम ये देखेंगे, क्योंकि अभी तो ये बात कर रहे हैं कि लॉ डिपार्टमेंट के पास है, फिर कैबिनेट अप्रूवल के बाद असेंबली में आएगी, तो आए इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे कवर्ड हर बच्चे के नाम पे किस तरह होगा, या जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इन्होंने करिकुलम की बात की है, मेरे ख्याल में जो एक्स्ट्रा बुक्स होती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल से घर और घर से स्कूल लेके जाते, तो इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, और जो होमवर्क डेली बेसिस पे बच्चों को दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में अगर उसको भी
स्कूल में असातिज़ा जो है टीचर जो है वो होमवर्क करवाया करें तो उससे भी काफी हद तक हो सकते हैं। बिल्कुल तो ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें बहुत ज्यादा डिबेट करने की जरूरत है। एक्ट तो आ जाते हैं लेकिन ज़िया उल्लाह बंगश कह रहे हैं कि हम इस पर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर फिर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे और अपनी हुकूमत के लिए नहीं बल्कि जाहिर है जो आइंदा भी हुकूमतें आएंगी उनके लिए भी इससे आसानी पैदा होगी। और चीज मैं आपको शेयर करूँ बिल्कुल इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की बात की है वो हम थ्रू करेंगे IMU अपने इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस हफ्ते ना सही तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको दोबारा जहमत दूंगी। थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।